हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे जो लैचिंग करंट है और होल्डिंग करंट है। ये लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट के सिग्निफिकेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैचिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ आईवी जो करंट और वोल्टेज करेक्टरिस्टिक्स है उसमें आपने पहले देखा था कि आई और वी, यहां पे जब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन में ये आ रहा था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शन में ये अनस्टेबल स्टेट है, तो आपने देखा होगा ये तो है लैचिंग करंट और ये है होल्डिंग करंट। दो करंट दिखाई हुई हैं, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट है। सबसे पहले लैचिंग करंट देखेंगे। लैचिंग करंट इज रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, मतलब ये एससीआर जब ऑन होगा उस प्रोसेस से रिलेट करती है। मतलब अगर गेट सिग्नल अपन दे रहे हैं एससीआर को, और गेट सिग्नल देते देते अगर जो एनोड करंट है वो अगर लैचिंग करंट से कम है तो एससीआर ऑन नहीं होगा किसी भी हालत में। और अगर एनोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट के बराबर और उससे ज्यादा है तो एससीआर ऑन हो जाएगा। तो लैचिंग करंट का जो सिग्निफिकेंस है समझ गए कि जो लैचिंग करंट है, इफ वी रिमूव, इसमें लिखा गया है कि इफ वी रिमूव द गेट सिग्नल व्हेन एनोड करंट इज लेस देन द लैचिंग करंट, एससीआर फेल्स टू टर्न ऑन। और इसमें देखेंगे कि लैचिंग करंट रिलेटेड टू टर्न ऑन प्रोसेस, द गेट सिग्नल इनिशिएट द टर्न ऑन प्रोसेस व्हेन द एससीआर इज ऑन। State gate losses the control on device, therefore we generally remove the gate pulse when SCR become on the avoid on to avoid the continuous gate power loss। मतलब जब एक बार SCR on हो जाएगा तो gates जो signal है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, इसकी वजह से हम gate जो pulse है उसको हटा देंगे, क्योंकि अगर नहीं हटाएंगे तो वो हमारा continuous power loss होता रहेगा, क्योंकि एक बार जब एससीआर ऑन हो जाता है तो एससीआर पर किसी का कंट्रोल नहीं रहता। तो ये है, तो इसमें लास्ट पॉइंट लैचिंग करंट का साफ है कि वी मस्ट मेंटेन गेट पल्स विड्थ एट लीस्ट 4 एम्पीयर एंटिल आई ए रीचेस लैचिंग करंट। मतलब हम उतना गेट पल्स एससीआर को देंगे, एससीआर को उतना गेट पल्स की विड्थ, उसकी विड्थ जो गेट पल्स की विड्थ इतनी रखेंगे कि वो जो एनोड करंट है वो कहां तक पहुंच जाए, लैचिंग करंट तक पहुंच जाए। ठीक है, तो इससे एससीआर ऑन हो जाएगा। अब बात करेंगे होल्डिंग करंट की। तो होल्डिंग करंट रिलेट करती है टर्न ऑफ प्रोसेस से, मतलब कि अगर, चूंकि ये पहले बात कर चुके हैं अपन कि टर्न ऑफ प्रोसेस पर गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता, एससीआर ऑफ हुआ उस पर, तो एनोड जो करंट है वो जब होल्डिंग करंट से कम हो जाएगी तब जाके एससीआर कंडक्शन बंद कर देगा। तो इसमें लिखा हुआ है द कंडक्टिंग थायरिस्टर स्टॉप कंडक्टिंग ओनली व्हेन एनोड करंट रीचेज बिलो होल्डिंग करंट। मतलब होल्डिंग करंट से नीचे जो रिलेशन दिया हुआ है इसमें एनोड करंट कम है होल्डिंग करंट से, तो इसका मतलब एससीआर क्या हो गया, टर्न ऑफ। तो ये है लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। इसके बारे में एग्जाम में दो दो नंबर में सवाल पूछे जाते हैं कि लैचिंग करंट क्या है, होल्डिंग करंट क्या है, और इसको स्पेसिफाई करने के लिए, और ये आईवी करेक्टरिस्टिक्स है इसमें लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट यहाँ दिखाई गई है, इसे आप देख सकते हैं।